दोस्तों इस चैनल के साथ साथ मेरा एक और चैनल है जिसका नाम प्रिंस तिवारी ब्लॉग है। तो पहले आप जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसमें से एक वीडियो चला करके उस वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं एमसीबी में लगे पार्ट्स। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको एमसीबी रिलेटेड है, जो कि आप लोग घरों में एमसीबी का यूज करते हैं लाइन फ्लक्चुएट होने के संबंध में। तो वहीं आज मैं एमसीबी पे इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आज मेरे सभी भाइयों को पता चल सके कि एमसीबी का वास्तविक कार्य क्या होता है और एमसीबी कैसे काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका टाइम लॉस नहीं करते वीडियो को शुरू कर देता हूं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो हाय गाइस, हम प्रिंस तिवारी, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हर एक एमसीबी का अलग अलग एम्पियर होता है, यानी कि कितने एम्पियर का कौन सा एमसीबी है वो एमसीबी पे डिपेंड करता है और साथ में आप किस जगह पे किस एमसीबी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो एमसीबी पे डिपेंड करता है दोस्तों। आपके लोड के अनुसार अपने एमसीबी को लगाया जाता है, कितने लोग 6, 10, 12, 15, 20, 25, 32 या ऐसे 64 उससे के वगैरह वगैरह एमसीबी लगा लेते हैं दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों किस जगह पे कितने एम्पियर की एमसीबी डालनी चाहिए और एमसीबी का वास्तविक कार्य क्या होता है, एमसीबी में कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो से मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों पहले आपको बता दूं कि एमसीबी का कार्य क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों एमसीबी का कार्य होता है आपको लाइट में शॉर्ट सर्किट को बचाना और आपके वायर को सुरक्षित रखना है। यानी कि दोस्तों जब भी आपकी कोई पार्ट्स खराब होती है, वो शॉर्ट होती है, तो एमसीबी तक को ओवरलोड जा करके और एमसीबी को ड्रॉप करा देती है, जिससे आपकी वायर जल्दी जलने से बच जाती है और आपकी फ्लक्चुएट दूर हो जाती है दोस्तों। अगर वहीं एमसीबी आप गलत पावर का लगा देंगे तो आपकी एमसीबी ड्रॉप नहीं होगी और आपकी वायर जल जाएगी दोस्तों। तो आपको इस तरीके जो कि मैं आज तरीका बता रहा हूं, इससे अपने एम्पियर को चेक कर लेना है कि हमारे कौन से एमसीबी कितने एम्पियर का लगा है और आपको एमसीबी के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं जिसके कारण से एमसीबी काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख लीजिए, ये मेरे पास हैवल्स कंपनी की एमसीबी है, उसके बाद में ये बेटच कंपनी की एमसीबी है, उसके बाद में ये एंकर कंपनी यानी कि ग्रेट व्हाइट कंपनी की एमसीबी है दोस्तों। तो ये दोनों एमसीबी को मैं साइड में रख देता हूं और ये एमसीबी मैंने जो कि खोला हूं पहले से, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए खोल दिया हूं। तो दोस्तों इसको आज मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूं कि एमसीबी के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं और एमसीबी कैसे काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, आपकी जितने भी होल दिख रही है उसमें एक रिपीट ठोका हुआ था, जो कि इस प्रकार की रिपीट होती है। इस रिपीट को मैंने पहले से ही रिमूव कर दिया हूं दोस्तों। तो अब मैं इसको प्लायर के सहारे पहले इसको मैं रिमूव करने की बाहर कर लेता हूं, उसके बाद में आपको दिखा दूंगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं दोस्त। तो ये देख लीजिए, पहले मैं इसको बाहर कर देता हूं, ये देखिए दोस्तों। उसके बाद में इस ढक्कन को मैं खोल देता हूं एक पेचकस के सहारे, क्योंकि दोस्तों मैंने इस एमसीबी को मार्केट से परचेस किया हूं और इसको मैंने खोल करके और आपको दिखा रहा हूं कि एमसीबी के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी देख लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए कि आपके भी एमसीबी ड्रॉप होती है, क्यों नहीं होती है, आपकी वायर क्यों जल जाती है, उसी के रिलेटेड ही वीडियो है पूरी दोस्तों, क्योंकि आपकी एमसीबी की मेजर नहीं हो पाती है जिसके कारण से आपकी वायर जल जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, एमसीबी के अंदर कुछ इस प्रकार की कंपोनेंट लगी रहती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बाय द बाय बताने वाला हूं कि कौन सा नाम क्या है और ये कैसे वर्क करती है दोस्तों। ये हो गई इसकी स्विच, जो कि आप एमसीबी को स्विचिंग कराते हैं, जिससे ये एमसीबी ऊपर जाती है तो ठीक है और डाउन हो जाती है तो आपकी लाइट कट जाती है। तो लाइट कटती कहां से है ये भी देख लीजिए दोस्तों, गौर से देखिएगा आपको क्लियर दिखाई देगी। यहां देखिए इस उंगली के सहारे जो कि मैं बता रहा हूं, इसके अंदर एक गैप है, जब मैं इस लीवर को ओपन करूंगा तो ये जा करके इस दोनों से टचिंग हो जाएगी, यानी कि आपकी कनेक्शन बन चुकी है। वहीं जब आपकी इस एमसीबी ड्रॉप होती है तो इसके अंदर से ये देखिए, इसके अंदर एक क्या बोलते हैं इसको, अंतर स्पेस बन जाती है, ये स्पेस बन गई जिसके कारण से एमसीबी लाइट नहीं दे पाएगी। वहीं दोस्तों जब आपको एमसीबी इसकी चालू कर देते हैं तो इसके अंदर से स्पेस खत्म हो जाती है, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बन जाती है। तो ये एमसीबी शॉर्ट लगने पर ड्रॉप कैसे होती है तो भी समझ लीजिए दोस्तों। आपको यहाँ पे दिखेगी, आपको नजदीक से मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे आपको एक दिखेगी लीवर टाइप की, एक यहाँ पे एक देखिएगा दोस्तों, गौर से आप देखिएगा, इस दोनों के बीच में एक आपको लीवर टाइप की दिख जाएगी। इसमें गौर से देखिएगा तो आपको एक लीवर टाइप की इसमें दिख जाएगी, कहाँ, इस यहाँ, यहाँ पे लीवर टाइप की दिखेगी। जब आपकी क्या होती है, जब आपकी शॉर्ट सर्किट लगती है तो ये इसमें इमोशनल ट्रांजिस्टर लगे देते हैं, यानी कि ये कॉपर की वायर है लेकिन ये काम क्या करती है, जब आपकी शॉर्ट लगेगी तो ये हीट होना प्रारंभ करेगी, यानी कि दोनों जब तो आप तार आपकी जो शॉर्ट होगी तो ये हीट होगी, जब ये हीट होगी तो इसमें लगी है यहाँ पे एल्युमिनियम ऊपर लगी है और नीचे लगी है स्टील, तो क्या होगा, स्टील मैग्नेट बना करके इस स्टील को ऐसे ड्रॉप कराएगा, यानी कि ये जाके अंदर प्रेस करेगी तो ये एमसीबी ड्रॉप कर जाएगी। आप देख रहे होंगे सामने, मैं एमसीबी को उठा दिया, जब ये ओवर हीट होगी तो ये जो आपकी ये लगी है
आपको मैं क्लियर दिखा रहा हूँ, जो आपकी ये स्टील लगी हुई है, ये स्टील अंदर जा करके यानी कि मैग्नेट से अंदर खींची जाएगी, ये अंदर खींची जाएगी, जब आप ये खींची जाएगी तो ये लीवर पे प्रेस करेगी, यहाँ इस लीवर को प्रेस करेगी, जिससे आपकी एमसीबी ड्रॉप कर जाएगी। देखिए जैसे ही ये प्रेस करती है जाकर के और एमसीबी ड्रॉप कर जाती है, ये आपकी हीटसिंग हो गई। उसके बाद में ये इसकी जो आपकी इमोशनल करती है यानी कि सिल्वर को इमोशनल करती है, वो तंबे की वायर हो गई, ये स्प्रिंग हो गई जो कि लीवर से जुड़ी हुई है, जो कि आपको ये और ये दोनों कनेक्शन को सेम मिलाती है, ये स्प्रिंग हो गई और ये लीवर स्प्रिंग हो गई, ये दोनों साइड की कनेक्शन हो गई। और एक बात दोस्तों ये भी बता दूं कि अगर आप इधर का वायर इधर और इधर का वायर इधर जुड़ेंगे तो आपकी एमसीबी ड्रॉप नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों इधर से लाइन इन और इधर से आउट होती है, इसलिए आप लाइट को इधर इन से जोड़े और इधर आउट करें, यानी कि जब आपकी डायरेक्टली प्रेशर आएगी तो डायरेक्टली प्रेशर इधर जाएगी और डायरेक्ट आपकी इमोशनल हीट होगी और आपकी एमसीबी गिर जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो एमसीबी पे लिखा रहता है, ये देखिए दोस्तों क्लियर आपकी एमसीबी पे लिखा रहता है लोड और लाइन, ये देखिए लाइन लिखा है यानी कि इस साइड से आपको लाइन देना है और ये लोड लिखा है यानी कि इस साइड से आपकी लाइन लेनी है, तो आपको लोड पे देना है आपकी घर की सप्लाई और लाइन में देनी है आपकी जो डायरेक्ट वायर आ रही है उसकी सप्लाई। और उसके बाद में आपको बताते चलूं, ये लीवर हो गई और ये एमसीबी फिर से इसको प्रेस करेगी तो ये इसके सहारे ये गिर जाती है। उसके बाद में ये लीवर क्रैक हो गई इसकी, जो कि लीवर जो कि आपकी इस दोनों कनेक्शन को जुटाती है वो इसकी सापट हो गई, तो इसके सहारे से ही एमसीबी हमारी चलती है और सर्किट से बचाती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं ऐसे ही रोमांचिक और इलेक्ट्रिक संबंधित हर एक क्वालिटी की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं दोस्तों। अब आपकी गर्मी की सीजन शुरू हो चुकी है, अगर आप किसी फैन में फंसते हैं या फैन को रिपेयरिंग करना नहीं जानते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत सारे इलेक्ट्रिक और फैन संबंधित वीडियो बना रखी है दोस्तों।